क्या आपको पता है कि आज इंडिया में हर घंटे 4 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बनती हैं, और ये सब अपनी मर्जी से नहीं, इनमें से 3 को तो फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन के दलदल के अंदर धकेला जाता है। इसके पीछे का कारण एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया सोनाकाची है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इसके अलावा भी इंडिया में आज 1000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड रेड लाइट एरिया है। सो अब रेड लाइट एरियाज का इतना डिमांड है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाले खेल में ये तो होना ही है। और बाय द वे, इस डिमांड को पूरा करने के लिए लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री से लाया जाता है, जो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एवरी ईयर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो बस प्रॉफिट कमाती है, जिसमें से भी 2/3 हिस्सा तो सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन से ही आता है। लेकिन क्या अब इसी प्रॉफिट में अपना हिस्सा बटोरने के लिए बॉलीवुड भी शामिल होता है? वेल, क्योंकि सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट की कोरियोग्राफर एग्नेस हैमिल्टन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक सेक्स रैकेट चलाने के लिए अरेस्ट किया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग से नहीं आती, वो लड़कियां बॉलीवुड से यहां आती है? और आखिर इन रेड लाइट एरियाज के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा और क्या क्या चल रहा है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर इंडिया में कितने प्रोस्टिट्यूट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन इंडिया के मुताबिक इंडिया में 30,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर है, जो ज्यादातर 15 से 35 की उम्र के ही होते हैं, जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में ही है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया इंडिया में ही है। लेकिन इन रेड लाइट एरियाज में प्रोस्टिट्यूशन की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बोनलेस लेबर और ड्रग्स का भी बड़ा जाल फैला हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ चल रही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से 90% विक्टिम जो ट्रैफिक होते हैं उन्हें फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन बनाया जाता है। और एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रोटर की एक स्टडी में ये पता चलता है कि इंडिया में तकरीबन 2 करोड़ कमर्शियल प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग आखिर इन्हें लाते कहां से है? वेल, एज ऑब्वियस, ट्रैफिक इंडिया के सबसे ग्रुप को ही टारगेट करते हैं, जिनमें आते हैं दलित, ट्राइबल और रूरल एरियाज की लड़कियां, जो NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल से ही आते हैं। बट सिर्फ इंडिया से नहीं, इन्हें नेपाल और बांग्लादेश से भी लाया जाता है, जिसके बारे में हैमिल्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिद एम साहिदुल्ला ने अपनी बुक में लिखा था कि हर साल बांग्लादेश से 24 से 28 हजार से ज्यादा लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है। बट इन्हें इतनी दूर से लाया कैसे जाता है? रेस्क्यू फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीपेश टैंक के मुताबिक किडनैप लड़कियों को ट्रैफिकर्स 15,000 से 10,000 जैसे रुपए में खरीदते हैं, और फिर उन्हें क्रॉस बाउंड्री लाइन लाके उन्हें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज में सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए में ट्रैफिकर्स को बेच देते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने की आड़ में ट्रैफिकर ज्यादा वर्जिन लड़कियों को खरीदते हैं, ताकि उनकी नीलामी करके उन्हें हाईएस्ट बिडर को बेचा जा सके, जो कि होना तो है ही, क्योंकि BBC की एक रिपोर्ट में क्लियर स्टेट किया गया कि दुनिया भर में मुंबई का कामाटीपुरा अपनी वर्जिन लड़कियों के शेयर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। फिर जैसे ही लड़कियों को बेच दिया जाता है, वो डायरेक्टली पहुंच जाती है रेड लाइट एरियाज के ब्रोथल्स में, जहां पर चीजें कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले तो आता है मालिक, जो उस ब्रोथल का ओनर होता है, एंड वो ही पूरे ब्रोथल्स का हिसाब किताब और प्रॉफिट्स को हैंडल करता है। फिर उसके नीचे आती है घरवाली, जो ब्रोथल्स की सारी लड़कियों को कंट्रोल करती है, प्लस नई लड़कियों को ट्रेन भी करती है। ट्रेन कैसे? वेल, स्टाफ टॉर्चर और कंटिन्यू उनका रैप करवा के, सो दैट वो अपना ब्रेकिंग पीरियड रीच करती है। लेकिन ब्रेकिंग पीरियड क्या होता है? ब्रेकिंग पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पर वो लड़कियाँ खुद ही ये सोच लेती है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब यही उनकी जिंदगी है और उसे यही चीज जिंदगी भर करते ही रहना है, जिसके बाद उन लड़कियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। फर्स्ट, ट्रैपिंग विक्टम्स। इन ट्रैपिंग विक्टम्स को फोर्स किया जाता है अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए, और इन लड़कियों का पूरा प्रॉफिट सीधा उनके मालिक को मिलता है। सेकंड, आदियाज, जिन्हें अपने क्लाइंट्स को एटलीस्ट हाँ या ना कहने का राइट होता है, लेकिन इन्हें अपना आधा प्रॉफिट अपने मालिक के साथ शेयर करना होता है। एंड द लास्ट वन इज लॉजर्स, जो अपने खुद की मर्जी से एक रूम को रेंट पर लेकर अपना खुद का क्लाइंट चूज कर लेते हैं। लेकिन इस प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट का सच ये है कि इसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो इसे बाहर निकलना मतलब इम्पॉसिबल है, जिसके पीछे 3 ओबियस रीजन है। रीजन नंबर 1, ब्रोथल्स का सिक्योरिटी सिस्टम, जहाँ ट्रैफिकर लड़कियों को यहाँ पर सबसे पहली बार लाया जाता है, तब उन्हें रूम में ही लॉक करके रखा जाता है, और अगर बाहर छोड़ा भी जाता है तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। एंड इफ बाई चांस अगर कोई भागने की कोशिश भी करती है
तो उसे तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए, या फिर इन सम एक्सट्रीम केसेज इन्हें मार दिया जाता है। एंड ओबियसली इसी डर से, मरने के डर से कभी भागने की कोशिश तक नहीं करते। रीजन नंबर टू, पुलिस आर इन्वॉल्व, वेयर पुलिस कई बार सेक्सुअल फेवर्स के बदले में इन सेक्स रैकेट को नजरअंदाज कर देती है। बट इवन दैट इज नॉट, कई केसेस में तो पुलिस ऑफिसर ही इन सेक्स रैकेट को चलाते हैं, जैसे कि इन कुछ केसेज में देखा गया था। केस नंबर वन, MP के कॉन्स्टेबल निखिलेश ठाकुर और उनके साथीदार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेकरा श्रीनील सेक्स रैकेट केस में पकड़े गए थे। केस नंबर टू, पुणे के प्रासखाना पुलिस स्टेशन के एक कॉन्स्टेबल को डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उनकी अश्लील फोटो रेड के दौरान पकड़े गए सेक्स वर्कर के पास से बरामद किए गए थे, जिसके बाद यह भी प्रूफ किया गया था कि उस कॉन्स्टेबल का उस पूरे सेक्स रैकेट के पीछे एक बड़ा हाथ था। रीजन नंबर थ्री, सोसाइटी का नजरिया, जब भी सेक्स रैकेट में फंसी हुई लड़कियां अपने घर वापस जाती है तब ना तो उनके खुद के घर वाले उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और ना ही उनका समाज, जिसकी वजह से ओबियसली वो नॉर्मल जिंदगी कभी जी ही नहीं पाती क्योंकि लोग उन्हें वैसे होने का टैग लगा देते हैं और उन्हें किसी अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में 90% किन्नर्स को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, TIT के अंतर्गत रजिस्टर किए हुए 2300 केसेज में से हर 100 केसेज में एक मर्द भी होता है। तो अब सवाल ये आता है कि आप बताओ, क्या इंडिया में आपके हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन को टोटली बैन कर देना चाहिए या फिर कम्प्लीटली लीगल कर देना चाहिए? वेल, आपके जो भी ओपिनियन है उसके पीछे का क्या रीज़न है आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोगों में से किसकी क्या ओपिनियन है, ताकि हम सेक्स वर्कर के साथ जो हो रहा है उनके स्टोरीज को पूरी दुनिया के सामने फैलाया जा सके, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके।